केंद्र सरकार के खिलाफ में संयुक्त किसान मोर्चा ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई सीपीआईएम के चंडीदास पुरी ने किया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में लखनलाल मंडल, मोहम्मद शब्बीर, मोहन मंडल ने मौजूद थे। गांधी मैदान से पैदल यात्रा कर नगर के सुभाष चौक होते हुए पुराना कोट पहुंचे। रैली पुराना कोट स्थित धरना स्थल पहुंचे और रैली धरने में तब्दील हो गयी। वक्ताओं ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीपीआईएम के जिला सचिव चंडीदास पुरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले केंद्र सरकार के विरोध में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें आज रैली और धरना दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 11 माह से 3 किसान कानून का विरोध लगातार देश में हो रहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने किसानों की बात मानी और तीनों किसान कानून को वापस लेने की बात कही और एक कमेटी बनाई गई। इस आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई उनके आश्रितों को मुआवजे की बात हुई। साथ ही लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रति विश्वासघात किया है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। भारत वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम लिया गया है विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का। ये विश्वासघात दिवस इसलिए है, पिछले दिनों दिल्ली के बोर्डरों में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए ये किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। मोदी सरकार के द्वारा घुटना टेका गया, किसानों की मांगों को मान ली गई, तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस हुए। साथ साथ इस शर्त के साथ एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनी, शहीद के परिवारों को मुआवजा देने की बात की गई, बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की बात की गई और लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे जो हैं जिन्होंने कुचल करके हमारे किसानों को हत्या किया था उनको अरेस्ट करने की बात की गई। इस दिशा में मोदी सरकार कोई आगे काम नहीं कर रही है। लगता है किसानों के साथ मोदी सरकार के द्वारा विश्वासघात किया जा रहा है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, जिसमें तमाम किसान संगठन हिंदुस्तान के जो पिछले दिन के आंदोलन में भाग लिए थे सारे लोग इसमें शामिल हैं, उनके द्वारा आज के तारीख को विश्वासघात दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।